प्लेट सुमड़ी में ठूसा है, अभी इसका पिज्जा भी ऑर्डर आने वाला है। जाके मत दे, मत दे मम्मा, मत दे। खाली फायर लगाए लोग ने, देखो। इट्स मॉर्निंग नाउ एंड मेरा कल हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा था। मुझे याद आया क्यों दुख रहा था, खाना बनाने की वजह से, काम करने की वजह से नहीं। बर्तन तो मैंने कल रात में छोड़ दिए थे कि मेरे से नहीं हो रहा था। मैं बताती हूँ क्यों दुख रहा था। तो ये जो पानी की बॉटल्स है ना, तो ये मैंने ना 2-3 बार उठाई थी क्लीन करने के लिए, पानी कम आता है ना यहाँ पे, तो ये वजह से है ना। मैंने सोचा मेहमान वेहमान आ रहे तो फिर वॉशरूम में सब भी धोना, कहीं पानी कम ना पड़ जाए। तो मैंने ना 2-3 बार उठाई थी, तो राइट हैंड में मेरे बहुत दर्द हो रहा था। एंड रात में ये इसने पूरा ये गंदा किया है, अब इसको मुझे क्लीन करना है। एंड सुबह सुबह मैंने इसको धूप में रख दिया है, मेरी चूजी को, और इसको ट्रीट्स भी दिए उसके, उसने खा ली। और हाँ, प्रिंस ने क्या किया ना, हम लोग वो पेट शॉप गए थे ना, तो वहाँ पे देखे थे कि केज में तोते थे, इसका जो टॉय वाला तोता है ना, उसने इसमें डाल दिया। चलो अभी काम करना स्टार्ट करती हूँ, चाय वाय बना लूँ पहला, फिर बर्तन धोऊंगी, फिर घर साफ करूंगी। तो बहुत सारे बर्तन थे एंड ये बर्तन धुल के मेरे हो गए हैं। ये किचन में सारा जो बर्तन रात के धुले थे उसको है ना ख़राब कर रहा है। उसको हाथ में मैंने चॉकलेट दिए खाने के लिए, बट वो हर बर्तन में डाल के उसको मिक्स कर रहा है ना। कुकिंग कर रहे हो ना? हाँ बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? कुकिंग? नो, मास्टर शेफ बनोगे? और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर और बीटरूट का जूस, क्योंकि हस्बैंड ये पीते हैं सुबह में, एंड वो जल्दी चले गए आज फटाक से, तो आ जाएंगे अब 10-15 मिनट में। उन्होंने कहा कि रेडी करके रख। ये कर रहे हो? हाँ, ये कर रहे हो? गिव इट टू मी, गिव दैट स्पैचुला, गिव, गिव इट टू मी, मम्मा को दो। बेटा डोंट बिहेव दिस वे, थैंक यू। और ये तफील का जूस बन के रेडी है। बालकनी में ना धूप बहुत अच्छी आई है, तो मैंने ना यहाँ से 5 किलो अनियंस लिए थे, ये देखो इतने सारे 50 रुपीज़ में मिले मेरे को ये पूरे। सोच रही हूँ कि इसको है ना धूप में थोड़ा डाल दूँ, क्योंकि अंदर से ना ये गीले होते हैं। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट फार्मर्स लोग के पास से ये आते हैं, तो मैंने ना ये बिछाया है, इसके ऊपर मैं ऑनियंस को डाल दूँगी। तो इसको करेंगे कट अभी। मुझे ठीक ही लग रहा है। ऐसे है ये सारे कांदे। मैं बता दूंगी आपको कि है ना, जो मैंने 25 रुपये किलो लाए थे ना, वो कैसे है, रुक जाओ। और यहाँ पे ये मेरी छोटी सी चिकन, इसकी टेल आ रही है, फेदर्स भी उसके अच्छे हो गए। आओ कम, आ जाओ, इतने बड़े फेदर्स हो गए इसके, अभी इसको टेल आ रही है। इसको मैं इनक्यूबेटर में रखती हूँ, देखो माशाल्लाह, आई होप बड़ी हो जाए। ये प्लेग्राउंड बन गया शायद, इसको खेलना है इसमें। तो ये है 25 रुपये किलो वाले, एकदम सूखे सूखे मस्त मस्त से। फ्रिज भी मुझे साफ़ करना है, तो ये रहा मेरा फ्रीज़र। यहाँ पे चिकन पड़ा है एंड कुछ आइसक्रीम्स है, फिर ये ड्राइड चेरीज़ है, और ये जो मैं मलाई जमा करती हूँ दूध की, वो तो है, बटर रखा हुआ है उधर। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, काजू का पेस्ट मैं रखी हूँ, फिर ये अफ़गानिस्तान का सैफ्रन है, दो टाइप्स के, ये लिटरली अफ़गानिस्तान से आया हुआ है। एंड यहाँ पे तो हुक्का फ्लेवर्स है, कुछ मसाला है, और फिर ये मिल्क मेड है, और ये हुक्के का चिलम। ये हम लोग तो नहीं पीते, मैं और मेरा हस्बैंड, मेरी सिस्टर और ये लोग आते हैं ना, तब हम लोग थोड़ा पी लेते हैं, नॉट मी, बट ऐसे टाइम पास के लिए लगा लेते हैं। और ये प्रिंस की वेफर बिस्किट्स रखी हुई है, तो मुझे ये सब क्लीन करना है अभी। एंड नीचे तो काफ़ी मेस पड़ा हुआ है, ये सब को क्लीन करना है। ये डोर की तो हालत ख़राब है, पता नहीं ये ऐसे सब स्टैक करके रखा हुआ है, सब कुछ निकाल के फेंकना है।
तो अभी मैं क्लीन करूँगी, देखती हूँ मुझे कब टाइम मिलता है। आज बल्ब टूट गया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको दिख भी नहीं रहा भाई अंदर है। तो अभी शाम में हम लोग ले आएंगे बल्ब। देखो देखो इतनी सारी फायर लगाए लोग ने, देखो पिंचू फायर लगाए। ये स्कूल के अंदर ना जंगल हो गया था, जिनने फायर लगा दी इतनी सारी। मुझे इस रेस्टोरेंट का ना चिकन लॉलीपॉप बहुत पसंद है, तो शाम को 6-7 बजे के करीब ना तो फिर हम लोगों को ले आए थे ये खाने के लिए। और ये न्यू बल्ब लेके आए जो अभी फ्यूज़ हो गया था, तो उसके बदले तब ये लगाएंगे हम लोग, उसके लिए इनक्यूबेटर बनाएंगे फिर से। वैशी ऊपर बैठी है, ये झूला पकड़ो। रहने दो इतना ठीक है, लग गया। चालू करो। हाय बेबी, तो ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है आपको? जल गया। चलो गुड नाइट। बस 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 बस, चलो नो, चलो कम, चलो नो, मुझे बोल रहे हो जाओ। व्हाट यू वांट, टेल मी व्हाट यू वांट। अच्छा बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या शीश शीश, वो क्या होता है? व्हाट डू यू वांट, चीज, कौन सी चीज? अच्छा ठीक है, चलो देती हूँ चीज। शीश क्या चीज? क्या गुलाब जामुन? और क्या चाहिए? ये चाहिए? अच्छा चाय चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? मम मम, क्या किया वहां जाके? मिर्ची लगी है मुंह में। इधर आए, इधर आओ। खाओगे वहां पे जाके? मत दे मत दे मम्मा मत दे, भाभी ने बंद कर दूंगा। कौन से अच्छी लग रहे सोहेल? इलो पापा पकड़ो, अच्छे से बैठो। ये कलर क्या है? टॉयलेट ट्रेंड है क्या? नहीं वो ऑफ कर लेना, क्योंकि वो है नहीं, वो हम यहाँ स्पेशल लेके रखा सबसे भी। अगर आप टॉयलेट ट्रेंड कर देते तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आप कंडीशन लेके रखना। सोहेल को ना छोटी किटन पेट करनी थी, तो उसको बहुत शौक चढ़ा था, तो हम लोग गए थे देखने के लिए, बट हम लोगों को जमी नहीं तो हम लोगों ने ली नहीं। कितनी प्यारी लग रही है, चल रही है। पापा मुंह दी, छोड़ छोड़ छोड़, मर जाएगी बाहर। ये बड़ा है ना, ये बड़ी वाह, वो थोड़ा बड़ा है। नहीं फिल्टर कितना बनाएंगे भाई? प्रिंस को ना पेट्स बहुत पसंद है एंड कैट्स तो कुछ ज्यादा ही, तो इनके पीछे ना एकदम पागल हो गया आज ये। तो फेल को ना हमने बहुत घुमाया आज, अभी हम लोगों को भूख लगी थी, कुछ स्ट्रीट फूड खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोग उनको यहाँ पर ले आए थे, और उसके बाद हम लोग गए थे मूवी देखने। क्या बोल रहे हैं? ये पाव भाजी की आ रही है। तो मैंने यहाँ पे दही पूरी ऑर्डर किया है, और फेल ने यहाँ पे पाव भाजी ऑर्डर किया है, और सोहेल ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। यहाँ पे ऐसी सीटिंग्स है बैठने के लिए। ये आ गई पाव भाजी प्लेन वाली, पकड़ 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 पकड़। बदमाशी करते हो डॉग, डॉग ये अपना है क्या?
पापा क्या कर रहे हो? खा लो। ये जिद करके इसने लिया है। अच्छा है बेबी? अच्छा है? कैसा है? मुंह तो ऊपर करो। अच्छा है? क्या देख रहे हो मेरे को? अब तो पक्का डालूंगी। अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं ढाबा। कुनाफा अच्छा लगा था, शायद वो लेंगे, पता नहीं, अभी ऑप्शनल है, या फिर आइसक्रीम खाएंगे और मैं तो फलूदा खाऊंगी। हाँ पापा, तुम क्या खाओगे? बेबी नीनू आ रही है, इसको नीनू आ रही है, सोएगा अभी। एंड अभी हम लोग आ गए ढाबा। मेरे को मेन्यू नहीं समझ आ रही, तो फ्लेवर बोलना। ये हम लोग का एक लोकल अड्डा है आइसक्रीम के लिए। आज हम लोग ने कुछ नया ट्राई किया, ड्राई फ्रूट लोडेड आइसक्रीम ली और वो बहुत ऑसम थी। सो हमारी आइसक्रीम और फालूदा बनके रेडी हो गया था। एंड हियर वी आर एंजॉयिंग आवर डिजर्ट। ये मेरे से नहीं खाया जा रहा है, बहुत हैवी हो गया है, मैं बचा दिखा था। खा लोगे? खा लोगे बेबी? खा लोगे? आंसर है मतलब खा लोगे, 100% खा लोगे। बाहर से खाना पीना हो गया था तो हम लोग आ गए थे पठान मूवी देखने के लिए। पूरे दिन का सबसे लास्ट शो देखा हम लोगों ने एंड पूरा थिएटर हाउसफुल था। अभी भी मतलब ये मूवी हाउसफुल जा रही है। दैट वाज सलमान्स एंट्री और मूवी तो मेरे को बहुत ऑसम लगी, बहुत मजा आया देखने, एंटरटेनिंग है। सो देखना तो ज़रूरी, और थिएटर्स में देखो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो एक्शन सीन्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम पैसा वसूल मूवी है। सो आप लोग भी जाके देखो, थिएटर्स में मज़ा आएगा। तो ये था मेरा व्लॉग, और मेरा व्लॉग अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।